सुबह उठ के बैठ ही रहा था, पेट का याद आ गया, साला 8 बज गया, खाना अभी तक दिया नहीं, इसलिए हम अभी बाज़ार के लिए निकलते हैं, कुछ खाने को मिल जाए। बाज़ार जाने से पहले एक बार किचन का तो हालत देख लेते हैं, ये गंदगी, ये गंदा बर्तन, ये सब पहले धो लेगा, उससे पहले सब्जी चेक करके देखते हैं क्या क्या है मेरे पास। ये तो कल परसों का सब्जी जो है कैबेज बोर हो गया, मिर्चा तो है, बैम्बू सीड भी है, दो दो डब्बा है, सब कुछ है, लेकिन अभी बाज़ार जाने से पहले इसको ढुला के जाना पड़ेगा, शायद इसको ढुला लेते हैं। एंड गाइस फाइनली धोके हो गया है, अभी बाद में आके गंदा भी करना है वापस, मीन्स पकाना है, अभी बाज़ार जा सकते हैं। एंड गाइस हमको बाज़ार में अलग से किस्म का ये कॉलीफ्लावर देखने को मिला है, उसका कलर कुछ इस तरह से है, एक तो वाइट है, ये वाला थोड़ा पर्पल कलर में है। एक्चुअली हम बाज़ार में कुछ पट्टा सब्जी लेने आया था, लेकिन पोक देखने के बाद हम रह नहीं गए, तो पोक ले लिया, बैंगन भी ले लिया। तो हम लोग का छोटा सा बैग में हम क्या क्या लेके आए, बैंगन लिया 1 किलो, बहुत सस्ता था, 1 किलो ओनली 20 रुपीज़, तो हम 1 किलो ले लिया। उसके बाद पट्टा सब्जी तो चाहिए था, इसलिए हम ये लाई पट्टा मीन्स मस्टर्ड लीफ लेके आए। लाई पट्टा और गाहरी बेस्ट कॉम्बिनेशन, तो ये लाई पट्टा को ढुला लेगा। उसके बाद ये रहा हम लोग का मेन स्पेशल, तो अकेला आदमी के लिए 1.5 किलो से ज़्यादा है। एंड गाइस इसको अच्छा से धुला लेगा और सफ़ा कर लेगा, पता नहीं कितना गंदा है होगा, फिर भी धो लेते हैं। सबसे पहले तो हम राइस बिठा लेते हैं, एक डब्बा मेरा छोटा मोटा डब्बा, लेकिन दो से नहीं होगा, बॉक है, तीन भी डाउट है, सारे 3 हो जाएगा इतना अकेला। पहले इसको कुकर में कुक कर लेगा, धो के तो आया है, फिर भी एक बार बॉईल कर लेगा, उसके बाद हम लोग पकाएगा इसको, फिर से वो लाई पट्टा का सब। कुक सब पहले बॉईल कर लेना चाहिए, उसके बाद पकाना चाहिए, ऐसे मम्मी लोग बोलते हैं, हाँ और अच्छा भी होता है। तो ये पकते रहने तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं, चिल्ली होगा, गार्लिक होगा, जिंजर होगा, वही सब होगा क्या। बस हमें ये जिंजर चिल्ली और गार्लिक ये सब ले लिया है, इसको धो लिया। मेरा रूम रास्ता का बहुत सामने है, कोक बनाने से अभी बहुत लोगों को फ्लेवर मिलेगा होगा, मेरा पेट दर्द होते करने का, इसको बनाते हैं। तो 10-15 बार जैसा सीटी मार रहे, लेकिन हम नहीं उतार रहे इसको, क्योंकि और पकने दो वाला, क्यों उतारे इतना जल्दी, पकने दो फिर से। राइस तो पक गया मजा से, बढ़िया से देख रहा, सीटी मारते मारते गला सूख गया, और सीटी मारने से गला सूखते गए, लेकिन इसका तो पानी सूख जाएगा, अभी उतार देते हैं इसको। इसको भी अच्छा से धो लिया और सफा से। फैन भी आ गया अपना सामान लेने के लिए, ये है क्या है, ये बीपी मशीन डायमंड एम चांगना मैं। आज इसका आउटिंग है, छुट्टी है हॉस्टल से निकले। ये एयरफोन नर्स लोग का क्या कोप बोलता है, स्टेटस तो कोप ना कि नहीं, वह जो भी है हमको आइडिया नहीं है, हम भी ये चालू करके देखा था लेकिन आइडिया नहीं है कैसे चलाते हैं। ऑन ये ऑफ ये डायमंड का है, ये ऑनलाइन से लिया है, ट्राई करके देखते हैं मेरा बीपी कितना है, अपना बीपी टेस्ट करेगा दिन कितना होगा, खले खले के नॉर्मल 120 पर 80 है नॉर्मल से लगा लिया,
ना भाई हेड रिलैक्स हो, आराम से लेटना है। नर्स हो गया, नर्स बन गया। कहो टाइट हो रहे कलक होंगे। एंड गाइस मेरा बीपी था 130/80 एंड गाहरी खाने का बाद पता नहीं और बढ़ जाएगा होगा, तो बनाते हैं अभी। इसको छोटा छोटा स्लाइस में काट लिया हम, और हम ऑयल थोड़ा सा ले गए। हम कहीं यूट्यूब वीडियो में देखा था पोक बनाने से बिना ऑयल से, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा लिए, इसमें फ्राई किया, खुद का ऑयल निकलेगा शायद। बिना ऑयल में फ्राई करने से लेकिन वो खट्टा बहुत है, बहुत उसका ऑयल जो छिड़कते हैं, थोड़ा कैप्टन अमेरिका बनना पड़ेगा। अभी हम अपना मसाला सब ऐड कर दिया, जो प्याज और ये जिंजर गार्लिक चिल्ली ये सब है, हल्दी वल्दी ये सब मिक्स कर दिया, अच्छे से हो रहे हैं। एंड हम लोग का फेवरेट लाईपट्टा भी मिक्स कर दिया, मज़ा लग रहा है अभी उसका फ्लेवर, तो वाव क्या बोलेगा, बहुत भूख लगा देते हैं। वाह वाह बढ़िया से पक गया, एक तो टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट करने से पहले एक तो चेक कर लेते हैं, रास्ता का वैसे बहुत सामने पहले था बने, छोटा वाला से चेक करते हैं, छोटा वाला मेरा ऑर्गेनिक कैबेज बॉयल और फ्राई साथ में होना है, धनिया और जिंजर काट के रखा है, यहाँ पे पकने वाला है। तो गाइस हो गया रेडी, अभी खा के देखते हैं टेस्ट कैसे है। कैबेज बॉयल बहुत हेल्दी वाला, ऑर्गेनिक वाला याद है ना। बढ़िया कितने मैम, नहीं नहीं कितने मैम, कैसा है तो गाइस ये वीडियो इतना तक ही, खाना खा लेगा उसका भी एडिट करेगा। बाय बाय।